जय माई की। जिस धरती ने अटल बिहारी वाजपेयी जी, विजया राजे सिंधिया जी, कुशाभाऊ ठाकरे जी जैसे देश को दिशा देने वाले महान व्यक्तित्व दिए, उस धरती को मैं प्रणाम करता हूं। आज ग्वालियर चंबल की इस धरती पर ऐसे समय में आया हूं जब देश में चार चरणों का चुनाव हो चुका है और इसमें कांग्रेस और उसके साथी चारों खाने चित्त हो चुके हैं। ये मेरा सौभाग्य है कि आप लोगों का इतना स्नेह और आशीर्वाद मुझे और मेरे सब साथियों को मिल रहा है। आज यहां मैं अपना प्रचार नहीं, आपका आभार व्यक्त करने आया हूं। से 2019 मैं जो कुछ भी कर पाया हूं वो आपके साथ और सहयोग के कारण कर पाया हूं, आपके समर्थन के कारण कर पाया हूं, और इसके लिए मैं आप सबका, पूरे मध्य प्रदेश का आदर पूर्वक धन्यवाद करता हूं। साथियों, ये तो पूरी दुनिया ही पहली बार देख रही है कि कैसे देश के लोगों ने अपने इस सेवक के प्रचार की कमान लोगों ने खुद ही संभाल ली है। मैं कहीं पर भी जाता हूं, कार्यकर्ताओं से पूछता हूं कि क्या हाल है भाई चुनाव का, वो कहते हैं साहब हम कहां चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव तो जनता लड़ रही है, आपके लिए लड़ रही है। शायद 77 के बाद, इमरजेंसी के बाद ये पहला चुनाव है जो देश की जनता लड़ रही है और सरकार को दोबारा बनाने के लिए लड़ रही है। जब देश का नौजवान दिन रात फिर एक बार मोदी सरकार कह के दौड़ रहा हो, जब देश की माताएं बहनें बेटियां मेरा प्रचार कर रही हो, जब देश के छोटे छोटे उद्यमी मेरा प्रचार कर रहे हो, तो इससे बड़ा सौभाग्य मेरे लिए और क्या हो सकता है। साथियों, 2019 के इस चुनाव में एक तरफ महा मिलावट करने वालों की गाली गलौज, झूठ और प्रपंच है और दूसरी तरफ अपने इस सेवक पर जनता जनार्दन का विश्वास है। कांग्रेस
और उनके सारे महामिलावटी ये कहते हैं मोदी हटाओ, लेकिन जिस गरीब को पक्का घर मिला है वो कह रहा है फिर एक बार। महामिलावटी कहते हैं मोदी हटाओ, लेकिन जिस बहन को शौचालय मिला है, इज्जत घर मिला है, वो कह रही है फिर एक बार। महामिलावटी कहते हैं मोदी हटाओ, लेकिन जिस गरीब बहन को मुफ्त में गैस कनेक्शन मिला है, धुएं से मुक्ति मिली है, वो बहन कह रही है फिर एक बार। महामिलावटी कहते हैं मोदी हटाओ, लेकिन जिस गरीब परिवार को 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त सुनिश्चित हुआ है, आयुष्मान भारत योजना उसके दरवाजे पहुंच गई है, वो कह रहा है फिर एक बार। महामिलावटी कहते हैं मोदी हटाओ, लेकिन जिन किसानों के खाते में सीधी सहायता पहुंच रही है, जिन्हें छोटे खर्चों के लिए अब उधार नहीं लेना पड़ रहा है, वो कह रहे हैं फिर एक बार। महामिलावटी कहते हैं मोदी हटाओ, लेकिन जिस मिडिल क्लास के लिए 5 लाख रुपए तक की इनकम पर हमने टैक्स जीरो किया है, जो देख रहा है कि हमने महंगाई कितनी नियंत्रण में रखी है, वो कह रहा है फिर एक बार। साथियों, एक तरफ जातिवादियों और वंशवादियों की जिद है मोदी को हटाने की, दूसरी तरफ जनता की भी जीत है, जनता भी अपनी जीत पर अड़ी हुई है। जनता ने महामिलावटी नेताओं को कह दिया है आएगा तो। भाई और बहनों, अब जो बात मैं कहने जा रहा हूं, इतना प्यार करोगे तो मुझे ग्वालियर में ही रहना पड़ेगा। भाई और बहनों, मैं आज देश के भविष्य के साथ मेरी बात कुछ करना चाहता हूं। वो नौजवान, युवा हो और युवती, जो 21वीं सदी में पहली बार
लोकसभा के लिए वोट देने वाले हैं। पहली बार जो नौजवान 21वीं सदी का भविष्य उंगली दबा करके कमल के निशान पर बटन दबा करके देश का भविष्य सुनिश्चित करने वाले, जो फर्स्ट टाइम वोटर है, जो पहली बार लोकसभा में मतदान करने वाले हैं, भाइयों बहनों, उनके लिए ये बात सामान्य नहीं है। जिनको पहली बार वोट करने का, देश का भविष्य तय करने का अवसर मिला है, ऐसे सभी युवा मतदाताओं को, युवक और युवतियों को मैं हृदय पूर्वक बहुत बहुत बधाई देता हूं। लेकिन मैं आज उनके सामने देश की राजनीति का एक चित्र रखना चाहता हूं, और मुझे विश्वास है कि मेरी ये नई पीढ़ी देश के लिए सोचेगी, देश के लिए मतदान करेगी, और नई पीढ़ी का मत 5 साल के लिए नहीं है, क्योंकि जो पहली बार वोट देने जा रहा है वो 18, 19, 20 साल का नौजवान, उसके तो पूरी 21वीं सदी उसी में उसको अपना जीवन गुजारना है, और इसलिए उसका वोट 21वीं सदी की उसकी खुद की जिंदगी के लिए है। भाइयों बहनों, भारत की राजनीति का एक चित्र, भारत की राजनीति में 4 अलग अलग तरह की राजनीतिक परंपराएं रही हैं। ये 4 दलीय व्यवस्थाएं ही देश की स्थिति, देश के विकास की गति इन्हीं के हाथ में रही है। वो 4 है कौन? मैं चाहूंगा कि मेरी नई पीढ़ी इस बात को समझे। और ग्वालियर ऐसी जगह है, बुद्धिजीवियों की जगह है, तो मेरा भी मन करता है कि राजनीति की बात करते करते कुछ एकेडमिक चर्चा भी उनके साथ कर लो। और इसलिए राजनीतिक मंच होने के बावजूद भी कुछ उन बातों को मैं करना चाहता हूं जो आने वाले दिनों में यूनिवर्सिटीज में, टीवी डिबेट में, चुनाव नतीजों के बाद भी इसकी गूंज सुनाई देनी चाहिए। ये 4 कौन है? इसमें पहला है नामपंथी, दूसरा है वामपंथी, तीसरा है दाम और दमनपंथी, और चौथा है विकासपंथी। नामपंथी, वामपंथी, दाम और दमनपंथी और विकासपंथी। आपको ऐसी बात सुनना ठीक लगेगा ना? ठीक लगेगा ना? वरना लगता है कि चुनाव में तो मैं उसको, वो उसको, ये करो। देखिए, नामपंथी यानी जो दिन रात अपने वंशवादी नेता का नाम जपे, पार्टी में किसी सामान्य कार्यकर्ता को आगे न बढ़ने दे, ये है नामपंथी जमात। हमारे देश में वो जमात आप जानते हैं। दूसरी है वामपंथी। वामपंथी ने जिन्होंने बंगाल को बर्बाद किया, जिन्होंने त्रिपुरा को बर्बाद किया, जिन्होंने केरल को बर्बाद किया, और ये वामपंथी ने जो मरी पड़ी
विदेशी विचारधारा को भारत में जिंदा करने की कोशिश करे, हिंसा का सहारा ले, वे है वामपंथी। तीसरा है दाम और दमनपंथी, यानी जो धन और गन, धन और गन से सत्ता पर कब्जा करना चाहे। आज फिर एक बार बंगाल इसी दमन पर, दाम और दमन से कुचला जा रहा है। भाइयों बहनों, और चौथी है विकासपंथी, यानी भारतीय जनता पार्टी जैसे दल जिनके लिए देश का विकास सर्वोच्च प्राथमिकता है, जो सत्ता को सेवा मानते हैं। साथियों, इस लोकसभा चुनाव में आप अपने जीवन का पहला वोट करने जा रहे हैं। आपका एक एक वोट तय करेगा कि देश में किस तरह के राजनीतिक परंपरा, राजनीतिक संस्कृति, राजनीतिक दल मजबूत होने चाहिए। एक तरफ नामपंथी, वामपंथी, दाम और दमनपंथी दल है, तो दूसरी तरफ हमारे जैसे विकासपंथी है। आपका एक वोट देश को दिशा देने का काम करेगा। भाइयों और बहनों, नामपंथी, वामपंथी और दाम दमनपंथी राजनीति ने हमेशा देश में विकास की गति को रोका है, युवाओं की आशाओं आकांक्षाओं को रौंदा है। कांग्रेस के नेता मध्य प्रदेश में हो या फिर दिल्ली में, इनका एक ही एजेंडा है, अपने बच्चों के लिए तिजोरियां भर लो, उन्हें मध्य प्रदेश और देश के युवाओं की चिंता नहीं, सिर्फ अपने परिवार की चिंता है। साथियों, अपने परिवार के लिए ये देश की साख को भी दांव पर लगा देते हैं। आप जरा 2014 से पहले की तस्वीरें याद कीजिए। कांग्रेस जब सत्ता में थी तो वो दुनिया के बड़े बड़े नेताओं को भारत बुलाते थे, भारत आते थे, लेकिन वो भारत को किस रूप में पेश करते थे? ये नामदार दुनिया के नेताओं को भारत की गरीबी दिखाने के लिए उनकी हर मुलाकात का उपयोग किया। इन लोगों ने भारत की गरीबी को दुनिया में ब्रांड की तरह बेचा है। इन्होंने भारत की छपी, भारत की इमेज सांप सपेरे वाले देश की बनाई थी, और आज भी सांप सपेरों से आगे वो नहीं बढ़ पाते हैं। भाइयों और बहनों, वही जब राष्ट्र के गौरव को सर्वोच्च रखने वाली सरकार आती है, तब क्या स्थिति होती है, ये आपने बीते 5 वर्षों में देखा है। आज विदेशी मेहमान आते हैं, गंगा आरती की तस्वीर देख ले। आज विदेशी मेहमान आते हैं, कुंभ की दिव्यता और भव्यता देख ले। आज विदेशी मेहमान आते हैं, भारत की सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी को, उसकी शक्ति देखने के लिए। आज विदेशी मेहमान आते हैं तो दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि देने के लिए। कांग्रेस के नामदारों ने दुनिया को भारत की गरीबी दिखाई और हमने भारत का गौरव दिखाया। साथियों, इनके गरीबी दर्शन कार्यक्रम का एक उदाहरण तो कुछ दिन पहले ही
मीडिया में आया है। यही पड़ोस में टीकमगढ़ की एक आदिवासी बहन की झोपड़ी को भी अपने इस पर्यटन के लिए नामदार ने 2008 में चुना था और उस आदिवासी बहन के घर गए, पूरा कैमरा का तामझाम लेकर के गए, फोटो निकलवाए, उस आदिवासी की झोपड़ी में खाना खाया और खाना खाकर जैसे उस गरीब मां पर एहसान किया हो वो भी किया। उसके बाद ये घटना 2008 की है और अभी मीडिया ने निकाला है कि उसके बाद 2014 तक रिमोट कंट्रोल सरकार रही दिल्ली में, नामदार की सरकार रही, लेकिन नामदार ने उस आदिवासी गरीब मां का उसके नमक का कर्ज नहीं चुकाया, उस नमक को भी भूल गए। मैं मीडिया में देख रहा था कि अब जाकर मोदी के आने के बाद नमक तो वो खा गए लेकिन नमक मोदी ने चुकाया। मोदी ने आकर के प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उस बहन को अपना पक्का घर अब उसको मिल पाया है और खुद पक्के घर में रहने गई है। भाइयों, गरीब को लेकर ये कितने असंवेदनशील रहे हैं, इसका एक और उदाहरण आज मीडिया में छाया हुआ है। साथियों, यूपी के अमेठी में एक अस्पताल है। इस अस्पताल के ट्रस्टी नामदार परिवार के सदस्य हैं। कुछ दिन पहले इस अस्पताल में एक गरीब आयुष्मान कार्ड लेकर अपना इलाज कराने के लिए गया। वो मौत के साथ लड़ाई लड़ रहा था, वो जीने के लिए तड़प रहा था। उसके हाथ में मोदी का दिया हुआ आयुष्मान भारत योजना का कार्ड था। वो अस्पताल गया, आप जान करके हैरान हो जाएंगे, अमेठी की वो अस्पताल जिसका कारोबार है नामदार परिवार चलाता है, उस अस्पताल ने उस मरीज को इसलिए मना कर दिया कि उसके हाथ में मोदी का दिया हुआ आयुष्मान भारत का कार्ड था। जानते हैं नामदार परिवार के अस्पताल ने उस गरीब को क्या कहा? मीडिया की अगर बात माने तो उस गरीब को कहा गया कि ये मोदी का अस्पताल नहीं, जहां आयुष्मान कार्ड चल जाए। सोचिए भाई और बहनों, गरीब की बीमारी को लेकर, उसकी मुश्किल स्थिति को लेकर कांग्रेस से जुड़े लोगों का ये कितना भयंकर रवैया है। और भाइयों बहनों, दुख की बात तो यह है कि इलाज से इनकार करने पर अमेठी का वो गरीब आज इस दुनिया में नहीं है, उसकी मृत्यु हो चुकी है। अमेठी में उस गरीब की मृत्यु के गुनहगारों को सजा मिलनी चाहिए। भाइयों और बहनों, गरीब की भलाई में भी कांग्रेस पहले अपनी राजनीति देखती है। ये हाल सिर्फ अमेठी के अस्पताल का ही नहीं है,
राजस्थान में जहां कांग्रेस की सरकार है वहां आयुष्मान योजना लागू नहीं की जा रही, छत्तीसगढ़ में जहां कांग्रेस की सरकार है वहां आयुष्मान योजना का लाभ गरीबों को नहीं मिल रहा। साथियों, इन ईमानदारों को सजा दिए जाने का समय आ गया है। देश की जनता ने नामदारों के परिवारों को दशकों तक स्नेह दिया था, उन पर विश्वास किया था, लेकिन इतने लंबे शासनकाल में सिवाय धोखेबाजी इन्होंने कुछ नहीं किया। याद है आपको, नामदार ने यहां ग्वालियर में ही, याद होगा आपको, नामदार ने यहां ग्वालियर में ही 1, 2, 3, 4, 5, 10 की गिनती सिखाई थी कि नहीं सिखाई थी? याद है, यही ग्वालियर में 1 से 10 की गिनती से दिखाई थी कि नहीं? और उन्होंने कहा था कि 10 दिन में किसान का कर्ज माफ, नहीं तो मुख्यमंत्री साहब। ये कहा था कि नहीं कहा था? ये वादा किया था कि नहीं किया था? अब पता चल रहा है कि किसानों को बैंकों के नोटिस आ रहे हैं, लेकिन नामदार के 10 दिन नहीं आ रहे हैं। हाँ, एक काम जरूर हो गया, सीएम तो सांप नहीं हुए, बल्कि एक नहीं, दो नहीं, ढाई ढाई मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश में थोप दिए गए हैं। भाइयों और बहनों, इन्होंने किसानों के साथ साथ हमारी गरीब आदिवासी बहनों को, गरीब बच्चों तक को नहीं छोड़ा। प्रसूता माताओं को पोषक आहार मिले, मध्य प्रदेश से भूखमरी और कुपोषण समाप्त हो, इसके लिए राष्ट्रीय पोषण अभियान ये चौकीदार चला रहा है। इसका पैसा भी कांग्रेस के राग दरबारी डकार गए। आज मध्य प्रदेश में नामदारों के जो बड़े बड़े पोस्टर लगे हैं ना, जो टीवी में न्याय न्याय का राग ये सुनाते हैं, उसके लिए पैसा गरीब बच्चों के मुंह से निवाला छीन कर जुटाया गया है। साथियों, अब उन्होंने ठगी का एक और तरीका ढूंढा है। गरीबों से फर्जी फॉर्म भरवाए जा रहे हैं, नकली चेक दिए जा रहे हैं, और यहां कर्मचारियों के ट्रांसफर के नाम पर बिल्कुल पश्चिम बंगाल की तरह सिंडिकेट राज इन्होंने शुरू कर दिया है। ट्रांसफर उद्योग शुरू हो गया है, अभी तो 4 महीने हुए हैं, कहीं से भी रुपये लाओ बस। साथियों, अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए जो छल प्रपंच ये करते हैं, उसका ही परिणाम आज देश को भुगतना पड़ रहा है। आज जो आतंकवाद और नक्सलवाद की समस्या है, वो कैसे पैदा हुई? ये कांग्रेस सरकार की लापरवाही, उसकी नाकामी की ही देन है। साथियों, भाजपा के लिए सामान्य मानवी का जीवन सर्वोच्च प्राथमिकता है,
और राष्ट्र रक्षा ये सबसे बड़ा मुद्दा है। ग्वालियर चंबल का ये पूरा क्षेत्र तो वीर वीरांगनाओं और वीर माताओं का क्षेत्र है। उन्हीं के आशीर्वाद से यहां के सपूत आतंकियों और नक्सलियों के साथ लोहा ले रहे हैं, लेकिन मैं उन्हें कांग्रेस के डकोसला पत्र की याद दिलाना चाहता हूं। उनका मैनिफेस्टो ये डकोसला पत्र है और कुछ नहीं है। कांग्रेस ने वादा किया है कि सत्ता में आए तो सैनिकों को मिला विशेष अधिकार हटा देंगे, देशद्रोह का कानून हटा देंगे। साथियों, सैनिकों के मान सम्मान के लिए हमारी पुलिस और अन्य सुरक्षा बलों के सम्मान के लिए इन लोगों के मन में कोई भावना नहीं है। दशकों से हमारे देश में सेना के जवान मांग कर रहे थे कि आजाद हिंदुस्तान में बलिदान देने वाले वीर सपूतों के सम्मान में एक नेशनल वॉर मेमोरियल बनना चाहिए। हमारे देश के पुलिस के जवान जो सामान्य मानवी की सेवा में लगे रहते हैं, ये हमारे पुलिस के जवान गर्मी हो, ठंडी हो, बारिश हो, खड़े मिलते हैं। राखी का त्योहार हो, होली का त्योहार हो, दिवाली हो, वो सड़क पे खड़े रह करके आपकी हिफाजत करते खड़े रहते हैं। और आप जान करके हैरान होंगे भाइयों, देश आजाद होने के बाद पुलिस की छवि लोगों ने जो बनाई होगी मैं उनके प्रति बड़ा आदर करता हूं। आजाद हिंदुस्तान में 33,000 पुलिस सामान्य मानवी की सेवा करते करते शहीद हुए हैं। 33,000, ये पुलिस वाले कह रहे थे कि नेशनल पुलिस मेमोरियल बनना चाहिए। भाइयों बहनों, 70 साल परिवार के लिए तो भांति भांति के मेमोरियल बने, लेकिन देश के लिए मर मिटने वाले सेना के जवानों का सम्मान करने के लिए नेशनल वॉर मेमोरियल नहीं बना, पुलिस के जवानों के लिए मेमोरियल नहीं बना। ये चौकीदार जब आया, ये सौभाग्य भी इस चौकीदार को मिला और हमने दिल्ली में बना दिया। और मैं ग्वालियर के लोगों को, मध्य प्रदेश के लोगों को कहूंगा, जब भी दिल्ली का जाने का मौका मिले, जरूर इन दो तीर्थ क्षेत्रों पे जाके सर झुका के आना। दोस्तों, वो मरे हैं हमारे लिए, वो जिए हैं हमारे लिए, उनका सम्मान करना चाहिए। क्या देश के किसान को, देश के जवान को धोखा देने वाली कांग्रेस को सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? साथियों, कांग्रेस के कमजोर रवैये से अलग भाजपा नए हिंदुस्तान के लिए नई रीति और नई नीति पर काम कर रही है। किसी को छेड़ेंगे नहीं, लेकिन छेड़ोगे तो छोड़ेंगे भी नहीं। ये नया हिंदुस्तान है, ये नए हिंदुस्तान की नीति है, हम घर में घुसकर मारेंगे। भाइयों और बहनों, बलिदानी और पानी बुंदेलखंड की कहानी की दो दूरियां हैं।
यहां बलिदानियों की कमी नहीं है, लेकिन पानी के लिए बहुत संघर्ष भी रहा है। भाजपा सरकार ने इस चुनौती से निपटने के लिए सार्थक प्रयास किए हैं। कांग्रेस ने जिन 14 बड़ी सिंचाई परियोजनाओं को अधर में लटका दिया था, उनमें से 10 को हम पूरा कर चुके हैं। आने वाले 5 वर्षों में पानी के लिए हम समर्पित भाव से काम करने वाले हैं। अलग से एक नया जल शक्ति मंत्रालय बनाकर आधुनिक तकनीक से पानी को बचाने और नदियों और समंदर से पानी देश के कोने कोने में कैसे उपयोगी हो, इसके लिए व्यापक रूप से काम करने वाले हैं। भाइयों और बहनों, बीते 5 वर्ष माताओं बहनों को धुएं से, खुले में शौच से और अंधेरे से मुक्ति दिलाने के हमने बहुत कुछ किया। आने वाले 5 वर्ष माताओं बहनों के पानी के संघर्ष को खत्म करने के लिए समर्पित करना मैंने तय किया है। साथियों, इन संकल्पों को पूरा करने के लिए इस बार पिछली बार से भी ज्यादा शक्ति से कमल खिलाना है, बूथ बूथ पर कमल खिलाना है। आपका हर वोट मोदी के खाते में जाएगा। भाइयों बहनों, इतनी विशाल संख्या में हम सबको आशीर्वाद देने के लिए आए, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका आभार व्यक्त करने आया हूं। ...2014 से 2019 मैं जो कुछ भी कर पाया हूं वो आपके साथ और सहयोग के कारण कर पाया हूं, आपके समर्थन के कारण कर पाया हूं। और इसके लिए मैं आप सबका, पूरे मध्य प्रदेश का आदर पूर्वक आभार व्यक्त कर